हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल के बारे में। ओमेज डीएसआर कैप्सूल का यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, प्राइस सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो की लास्ट में। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहला बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल की अगर बात की जाए तो दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल एक एलोपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों बहुत अच्छा बेस्ट कंपनी का प्रोडक्ट है ये दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल। दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल किन किन कंडीशन में ओमेज डीएसआर कैप्सूल दिया जाता है? जिन लोगों का बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम के कारण से सीने में जलन आने लगता है, पेट में दर्द आने लगता है, पेट फूल जाता है, तो दोस्तों इस तरह के कंडीशन में ओमेज डीएसआर कैप्सूल दिया जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल खाने के बाद दोस्तों बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों गैस, एसिडिटी जो बीमारी होता है दोस्तों कम होने लगता है, और बहुत अच्छा बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल। दोस्तों बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल खाने के बाद। दोस्तों अगर गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप ओमेज डीएसआर कैप्सूल खा सकते हैं। दोस्तों अगर ओमेज डीएसआर कैप्सूल की डोजेस की बात की जाए तो दोस्तों जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है वो इस कैप्सूल को खाना खाने से पहले यानी खाली पेट में एक कैप्सूल ले सकते हैं। अगर दोस्तों डॉक्टर की परामर्श या निर्देशानुसार या सलाह लेके या कंसल्ट करके सही तरीके से डोज लेंगे तो दोस्तों अच्छा होगा दोस्तों। और दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल की अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर सही तरीके से डॉक्टर की परामर्श या निर्देशानुसार या कंसल्ट या सलाह लेके अगर लेंगे तो दोस्तों इसका साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होगा दोस्तों। ओमेज डीएसआर कैप्सूल की अगर कंटेन या कंपोजिशन की बात की जाए तो दोस्तों कंपोजिशन कंटेन आप देख सकते हैं दोस्तों ओमिप्राजल आईपी है 20 mg है, डॉम्प्रिडोन आईपी है 30 mg है इसका कंपोजिशन। दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल 15 कैप्सूल का साथ आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसका प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों प्राइस है 186 रुपीज़। दोस्तों आपको आसानी से मेडिकल स्टोर में, फार्मेसी में मिल जाएगा दोस्तों। ये बहुत अच्छा बेस्ट कंपनी का कैप्सूल है दोस्तों ओमेज डीएसआर कैप्सूल। दोस्तों डॉक्टर रेड्डी कंपनी बनाता है दोस्तों, बहुत अच्छा बेस्ट कंपनी का प्रोडक्ट है दोस्तों। दोस्तों अगर गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप ओमेज डीएसआर कैप्सूल खा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर एक नया नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों कोई भी मेडिसिन खाने से पहले आप एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन।